वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीएफ इथ राजेश सर। तो स्टूडेंट, डेरिवेटिव हम लोग कर रहे थे और डेरिवेटिव के दो पोर्शन हम लोग खत्म कर लिए थे। पहला था चेन रूल, दूसरा था इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो वो दोनों वीडियो आप जरूर से देख लीजिएगा। इस वीडियो में बच्चों हम लोग तीसरा पोर्शन करेंगे जिसमें नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये काफी इम्पोर्टेंट है। वो दोनों भी इम्पोर्टेंट है लेकिन ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये लेक्चर आपका क्या है, 12 है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो बच्चों आप लोग एक पूरा चैप्टर ही पढ़े हो, ठीक है, कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। इसीलिए मैं इंट्रोडक्शन देना नहीं चाहूंगा, बस केवल मैं डिफ्रेंसिएशन इसका सिखा देता हूँ। उसके पहले नए बच्चों के लिए अनाउंसमेंट है कि जो बच्चे इस वीडियो के थ्रू इस चैनल पर जुड़े हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि बच्चों इस वीडियो को पॉज करके चैनल पे अगर जाएंगे आप, तो चैनल पे आपके लिए बहुत काम किया गया है हमारे द्वारा। हमने बहुत सारा काम आपके लिए किया है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, बस एक क्लिक करिए और सारी चीजें आपके पास होंगी। तो क्या क्या काम किया है, तो बच्चों क्या करेंगे आप, पहले एनसीएफ इथ राजेश सर पे क्लिक करिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि बहुत सारी चीजों की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। लेकिन पहले हमको किस पे जाना है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी पे। तो पहले इस वाले प्लेलिस्ट पे जाइए और क्या करिए, यहाँ पे जितने लेक्चर पढ़े हुए लेक्चर 1 से, सारे लेक्चर को एक एक करके देखिए। और जब वीडियो देखिए बच्चों, तो पेन और पेपर लेके साथ में, क्योंकि मैंने क्या कराए हैं, कॉन्सेप्ट कराए हैं, और उसको अगर लिखते हुए चलेंगे और नोट करते हुए चलेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और हर कॉन्सेप्ट मैंने सफिशियंट अमाउंट में आपके क्या कराए हैं, क्वेश्चन कराए हैं, ताकि आप क्वेश्चन करते रहेंगे तो जब आपका ये प्लेलिस्ट खत्म होगी तब आप ये पाएंगे कि कंटिन्यूटी और डिफरेंसिबिलिटी पे कॉन्सेप्ट के साथ साथ बच्चों आपके पास सफिशियंट अमाउंट में क्वेश्चन भी हो गए हैं और एक पूरा प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, जब ये पूरा प्लेलिस्ट आप देख लेंगे तो आप दूसरे प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। मैंने यही कोशिश की है बच्चों कि आपका सिलेबस जहां तक हो सके जितने तरीके के सवाल बोर्ड में आ सकते हैं मैंने उसको कराने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपको वीडियो देखने के बाद लगता है कि नहीं सर को ये कराना चाहिए, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए बच्चों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, पेन और पेपर ले लीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, एक चीज मैंने, अगर आप कहीं और से या फिर हम ही से मेरी प्लेलिस्ट देखे होंगे आईटीएफ वाली, तो मैंने ये चीज वहां पर बताई है कि अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया है वही यहाँ पे भी यूज करेंगे। बाहर जो इनवर्स फंक्शन है, अंदर वैसा ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको बनाना रहेगा। सिंपल सा यही चीज ध्यान रखना। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं तीसरे वाले से बच्चों। ठीक है, तीसरे वाले से क्यों, क्योंकि तीसरा वाला आसान लग रहा है, या चलिए पहले वाले से ही कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू बच्चों क्या है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो जो बच्चे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मेरा सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड देखे होंगे वो यहाँ पे समझ गए होंगे कि क्या करना है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनका भी तो हमें ख्याल रखना है। तो नए बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि बाहर अगर tan इनवर्स है तो अंदर किसी तरीके से tan में चीजें आ जाए ताकि वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आसानी से डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है, इन 6 में से कोई एक रखेंगे और देखेंगे कि इस पे बन पा रहा है। तो अगर आपको फार्मूला याद होगा बच्चों, तो अगर आप यहाँ पे x इज इक्वल टू टैन थीटा रख दें, ठीक है, और ये कैसे पता चलेगा बच्चों, तो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। ठीक है, मैंने आईटीएफ में बताया है कि अलग अलग तरीकों से समझा के आपको बताया है, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है कि जितने आप सवाल लगाएंगे आपको देखते ही पता चल जाएगा कि अच्छा ये सब्स्टिट्यूशन करना है। तो रख देते हैं, देखते हैं क्या हालचाल है। तो इसका हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इसको देख के क्या कुछ बच्चों को हमारे याद आ रहा है, कुछ कुछ याद आ रहा होगा दूर से कि सर कहीं तो ये देखा है, लेकिन बहुत दिन हो गए हैं इसलिए ये दिमाग में थोड़ा स्लिप कर रहा है। ठीक है बच्चों, इस वाले चीज को आपने 11th में देखा है, कहाँ देखा है, 11th में ट्रिग्नोमेट्री में देखा है। और ये किसका फार्मूला है बच्चों, tan 3 थीटा का, यानी ये किसका फार्मूला है, tan 3 थीटा। हाँ सर, यही तो हमको चाह रहा था, यानी बाहर tan है तो अंदर भी क्या हो जाए, tan हो जाएगा। देखिए tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, 3 थीटा।
लेकिन थीटा तो सर था ही नहीं कहीं, हमको तो यक्स चाहिए तभी तो हम डिफरेंशिएशन कर पाएंगे ना। क्यों? क्योंकि हमको क्या बताना है, डी वाई बाई डी यक्स बताना है, ठीक है ना। तो ठीक है, थीटा से हम यक्स बना सकते हैं। अब कहिए कैसे बना सकते हैं, तो क्या आप थीटा से यहाँ पे यक्स नहीं लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? तो थीटा को आप क्या ले सकते हैं, टैन इनवर्स यक्स, ठीक है बच्चों, कितने आसानी से देखे हो रहा है। तो थीटा को हम लिख सकते हैं टैन इनवर्स। अरे सर अब तो ये एकदम आसान है, टैन इनवर्स एक्स का तो हमको डिफरेंशिएशन पता है क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, थ्री, टैन इनवर्स एक्स का होता है वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो आईटीएफ वाले क्वेश्चन में हमको ये पता होना चाहिए कि जैसा बाहर है वैसा ही हमको क्या है अंदर बनाना पड़ेगा। अब उसके लिए बस छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसी में से वैल्यू को हमको पुट करना है, बाहर के जैसे अंदर बन जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं tan inverse प्रॉपर्टी है tan x equal to क्या हो जाएगा बच्चों, x, ये होता है, ठीक है। और जिसको ये चीजें नहीं समझ में आ रही, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप पहले ITF का लेक्चर देख लें, ठीक। चलिए दूसरा लेक्चर, दूसरा करते हैं सवाल, ठीक है बच्चों। तो दूसरा मैं चाहूंगा कि वीडियो बच्चों आप पॉज कर रहे हैं यहीं पे और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा खुद से बनाने की कोशिश करें। और बच्चों ये तभी आपसे बन पाएगा जब इलेवेंथ में जितने फॉर्मूले आप पढ़े हो वो फॉर्मूले आपको क्या हो, लर्न हो। तो आपको क्या करना है कि डिराइवेटिव वाला जो पेज है फार्मूला का मैंने बताया है उस पे वो ट्रिग्नोमेट्री वाले भी क्या करिए, लिख लीजिए, एक जगह हो जाएगा, फायदा रहेगा। तो चलिए आइए दूसरा किया जाए। तो बी है तो वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स टू यक्स, ठीक है। यहाँ पर बच्चों होगा आपका साइन इनवर्स, साइन इनवर्स कर लीजिए, क्या होगा साइन इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स टू एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि बच्चों देखो अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तभी काम बन पाएगा, नहीं तो गाड़ी रुक जाएगी यहीं पे। अब आप क्या करिए कि जैसा साइन बाहर है तो साइन अंदर बन रहा है। तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, वो फार्मूला ये रखने से आता है, अगर एस इक्वल टू हम टेन थीटा रख दें तो हमारा काम बन जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। तो वाई इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपान में क्या होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या इसको देख के कुछ कुछ याद आ रहा है बच्चों? देखो अगर आपको फार्मूला याद नहीं होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, तो आईटीएफ आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगा क्योंकि ये पूरा फार्मूला बेस है। मैंने एक चीज रखा, फार्मूला बन गया, वहीं से प्रॉब्लम हमारी क्या हो गई, सॉल्व हो गई। तो मैं यही कहूंगा कि पहले इलेवेंथ के फार्मूलों को आप डिराइवेटिव वाले जो फार्मूले के पेज है वहां पे लिख लीजिए, ठीक है। वहां पे लिखने के बाद फिर आप देख पाएंगे और कोरिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये किसका फार्मूला है बच्चों, ये फार्मूला है साइन टू थीटा का। तो अंदर साइन टू थीटा हो गया, बाहर क्या हो गया साइन इनवर्स, तो साइन से साइन खत्म हो गया बच्चों, कितना हो गया टू थीटा, ठीक। तो क्या फिर से हम नहीं ला सकते थीटा, थीटा इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक, रख देते हैं। तो कितना हो गया टू टेन इनवर्स एक्स। अब तो डिफरेंशिएशन करना एकदम आसान है, तो ये हो गया टू बाहर, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है। तो बस आपको फार्मूले याद रखने हैं और फार्मूले अगर आप देखोगे बच्चों तो आपके दिमाग में आइडिया बन जाएगा, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन बच्चों आप लोग खुद से अभी तुरंत ट्राई करिए, चलिए एक मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, तुरंत बनाइए। थर्ड क्वेश्चन बच्चों एक मिनट का टाइम ले लीजिए और तुरंत बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप बनाओगे तभी आपको आएगा, ठीक है। अगर आप नहीं बनाएंगे, केवल वीडियो देखेंगे तो उस तरह से नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए पेन और पेपर के साथ एक्टिवली काम करिए, और इसीलिए मैं तो लंबे वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि छोटे वीडियो बनाएंगे तो ज्यादा आप अटेंटिवली काम कर सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन बनाइए, समय है आपके पास, अभी जल्दी करिए बच्चों। करिए करिए बच्चों, मैं वेट कर रहा हूं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों sec इनवर्स वन अपान टू एक्स स्क्वायर माइनस में वन, ठीक है। चलिए करिए, अभी आपके पास थोड़ा समय है, जल्दी करिए। ठीक है बच्चों, चलिए अगर आप लोगों ने कर लिया है तो फिर जिन बच्चों ने कर लिया है वो यहाँ पे मैच कराएं, और जो अभी नहीं कर पाए हैं ठीक है वो यहाँ पे देखें। जैसे कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर अभी हमने मेरे सोचना ही स्टार्ट किया जब से आप क्वेश्चन बताने लगे, तो
तो बच्चों ये यहाँ पे ऐसे ही होगा ना, अगर आपको टाइम लेना है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, ठीक है, और फिर वहां पे अपना टाइम लेके 2 मिनट 3 मिनट जितना भी ले सकते हैं लेके बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर मैच करा लीजिए, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम साइन रख दें तो देखिए 2 sin² θ - 1, इस तरह कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन अगर हम कॉस रख दें तो कुछ फार्मूला होता है। यहाँ पर बच्चों इसमें बस फार्मूलों का खेल है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं कॉस थीटा, चलिए रख देते हैं, तो ये हो जाएगा sec इनवर्स, ये हो जाएगा 1/2 cos² θ - 1। तो क्या नीचे आप कुछ लिख पाओगे 2 cos² θ - 1 की जगह? क्यों नहीं लिख पाएंगे सर, ये वाला तो फार्मूला एकदम याद है हमें, ये होता है क्या cos 2θ। अब 1/cos² θ बच्चों कितना होता है sec 2θ, ये हो गया, यानी बाहर जैसा था वैसा ही क्या बन गया अंदर। देख रहे हैं बच्चों 3-4 लाइन में हो जा रहा है, बस आपको क्या याद रहना चाहिए, रिजल्ट याद रहना चाहिए, फार्मूला याद रहना चाहिए। अब थीटा कितना लिख लेंगे, तो थीटा यहाँ से लिख लेंगे कितना cos inverse x, ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है सबको। तो थीटा रख लेते हैं 2 cos inverse x। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, dy/dx, 2 बाहर हो जाएगा, cos inverse का क्या होता है अंडर रूट में -1/√1 - x², ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो देखिए बच्चों जितने भी आपके ITF के क्वेश्चन होंगे, जितने भी, उसमें बस सब्स्टिट्यूशन करना रहता है। सब्स्टिट्यूशन हमको इस तरह से करना है कि जो चीज बाहर है इनवर्स फंक्शन वैसा ही क्या बन जाए, अंदर बन जाए, और इसके लिए आपको जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनका यूज करना होगा, उनको बारी बारी से रखना होगा, और अगर आपको फार्मूले 11th ट्रिग्नोमेट्री के याद रहेंगे तब तो आपका क्वेश्चन एकदम आसानी से बन जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये थर्ड पार्ट भी डेरिवेटिव का खत्म हो गया, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में जब बच्चों हम आपके साथ आएंगे तो एक नए फंक्शन के डिफरेंशिएशन को सीखेंगे, तब तक इससे प्रीवियस के जो वीडियो हैं उनको देखिए और उनमें जो क्वेश्चन बताए गए हैं उनको प्रैक्टिस करिए, और अगर हम सारे क्वेश्चन को कर चुके हैं तो टेक्स्ट बुक या फिर दूसरे बुक से उन पे बेस्ड क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए, तभी चीजें आप सीख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।